और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो और उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा तो कहेगा कि मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था कहां हैं, और हम हर एक उम्मत में से एक गवाह निकाल लेंगे, फिर कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो, तो वो जान लेंगे कि सच बात अल्लाह की है और जो कुछ वो इफ्तरा किया करते थे उनसे जाता रहेगा। कारून मूसा की कौम में से था, फिर वो उन पर ज्यादती करने लगा और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को उठाना मुश्किल होती। जब उससे उसकी कौम ने कहा कि इतराइए मत, कि अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया है उससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा न भुलाइए, और जैसी अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो, और मुल्क में तालिबे फसाद न हो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं।